हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग ठीक होंगे, हैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज मैं सबसे मेन टॉपिक लेकर आई हूँ हेयर केयर का, कि हमारे बाल ग्रो क्यों नहीं करते। हम कुछ भी अप्लाई कर लें, बहुत महंगी से महंगी हेयर केयर प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लें, हेयर ऑयल अप्लाई कर लें, अनियन जूस कर लें, कोई भी फास्टेस्ट हेयर ग्रोथ मेथड यूज कर लें, कोई भी हेयर केयर रूटीन अप्लाई यूज कर लें, हमारे बाल लंबे नहीं होते। ठीक है, ना सॉफ्टनेस आती है, ना शाइन आती है, ना हेल्दी बाल होते हैं, ना वॉल्यूम आता है बालों में, ना बाल लंबे होते हैं। इन सारे मसलों का जो सोल्यूशन है ना, आज की वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एक एक बात इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जी बात करते हैं कि बालों की ग्रोथ क्यों नहीं होती, क्योंकि हमें अपनी हेयर टाइप का नहीं पता होता। ठीक है, किस 99% लोगों को अपनी हेयर टाइप का नहीं पता। तीन तरह की हेयर टाइप्स होती हैं, लो पोरोसिटी हेयर, मीडियम पोरोसिटी हेयर और हाई पोरोसिटी हेयर। तीनों को डिफरेंट टाइप्स की हेयर केयर रिक्वायर है, तीनों को डिफरेंट तरह की हेयर केयर प्रोडक्ट्स चाहिए। चलिए जी, अब करते हैं हम जरा अपना पोरोसिटी टेस्ट, ताकि हमें पता चले कि हमारे हेयर की टाइप क्या है। आप लोगों ने सिंपल एक ग्लास ले लेना है, उस ग्लास के अंदर जो है ना पानी डालना है, यानी एक ग्लास पानी हमें चाहिए डालने के लिए। अब जी पानी हमने डाल लिया है, अब क्या करना है, हमने एक हेयर स्ट्रैंड देना है। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बाल कौन सा तोड़ूं, कोई ज्यादा लंबा बाल ना टूट जाए। है जहाँ पे इतने टूटते हैं वहां पे एक और बाल सही, क्योंकि हमें अपनी हेयर केयर करनी है। यहाँ पर जी मैंने एक बाल तोड़ा है, अब इस बाल को हमने इस पानी के अंदर डालना है। आप लोगों ने एक पूरा बाल लेना है, यानी एक स्ट्रैंड लेना है और पूरे का पूरा पानी के अंदर डालना है, उसका कोई भी सेक्शन बाहर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उसको पानी के अंदर ऐड कर लिया है। अब जरा जी हम टेस्ट करते हैं इसको। हमने तीन तरह से यानी देख सकते हैं कि अगर आपका बाल जो है वो उसके ऊपर तैर रहा है, ठीक है, पानी के अंदर नहीं गया, तो फिर आपकी लो पोरोसिटी हेयर है। अगर आपका जो बाल है वो दरमियान में यानी तैर रहा है, ठीक है, अगर इस पोर्शन में आ रहा है, फिर आपके बाल मीडियम पोरोसिटी हैं। और अगर ये हेयर स्टैंड जो है बिल्कुल बॉटम वाले पोर्शन में आ जाता है, इसका मतलब है कि हाई पोरोसिटी हेयर है। अब जी हमने अपने हेयर के इसके अकॉर्डिंग करनी है। मैं आपको जरा करीब से भी चेक करवा देती हूँ, आप जरा गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मेरा बाल नजर आ रहा होगा जो बिल्कुल पानी के ऊपर है, यानी कि मेरे लो पोरोसिटी हेयर है। लो पोरोसिटी हेयर के क्यूटिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और उनके अंदर मॉइस्चर बहुत देर से जाता है, लेकिन बहुत देर तक लॉक रहता है। उसके बाद अगर आप मीडियम पोरोसिटी की बात करें, इनके क्यूटिकल्स थोड़े से खुले हुए होते हैं, और हाई पोरोसिटी हेयर्स के क्यूटिकल बिल्कुल ओपन होते हैं, उनके अंदर मॉइस्चर बहुत जल्दी चला जाता है लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए जी हमने अपनी जितनी भी हेयर केयर करनी है, कोई ऑयल यूज करना है, मास्क यूज करना है, कोई भी चीज यूज करनी है, हमने अपनी हेयर पोरोसिटी के अकॉर्डिंग यूज करनी है, ताकि उसके रिजल्ट हमारे बालों पर नजर आए, बाल ग्रो करें, शाइन करें और वॉल्यूम आए बालों में। हर हेयर टाइप की हेयर केयर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक आप हेयर पोरोसिटी टेस्ट कर लें। और मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।